महासागर और मौसम के अध्ययन के लिए तैयार किए गए स्कैट सेट यानी कि SCATAT और 7 अन्य उपग्रहों को लेकर PSLV-C-35 ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। स्कैट सेट ए से इतर 7 उपग्रहों में अमेरिका और कनाडा के उपग्रह भी शामिल हैं। स्कैट सेट ए के अलावा इसरो का 44.4 मीटर लंबा PSLV रॉकेट 2 भारतीय विश्वविद्यालयों के उपग्रह भी साथ लेकर गया है। इसके अलावा 3 उपग्रह अल्जीरिया के हैं और एक उपग्रह अमेरिका और कनाडा का है। PSLV-C-35 ने चेन्नई से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:12 पर उड़ान भरी। यह पहली बार है जब PSLV 2 अलग अलग कक्षाओं में पेलोड प्रक्षेपित करेगा। इस काम के लिए 4 चरणों वाले इंजन को 2 बार पुनः शुरू किया जाएगा। जानिए क्या है मिशन की विशेषताएं। PSLV-C-35 की यह 37वीं और एक्सेल मोड में यह 15वीं उड़ान है। इसरो का यह पहला मिशन है जिसमें सैटेलाइट को 2 अलग अलग कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इसमें सबसे अहम सैटेलाइट भारत का SCATSATA है। यह मौसम और समुद्र के अंदर होने वाली हलचल यानी कि साइक्लोन और तूफान पर नजर रखेगा और अहम जानकारी भेजेगा। रॉकेट इसे 17 मिनट के अंदर 730 किलोमीटर ऊंचाई पर छोड़ देगा। इसकी लागत 120 करोड़ रुपए आई है। इस सैटेलाइट का वजन 377 किलोग्राम है। मुंबई IIT के छात्रों द्वारा बनाया गया प्रथम और बैंगलोर यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट PSAT भी अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रथम का वजन 10 किलोग्राम और बैंगलोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बनाया PSAT 5.25 किलोग्राम का है। PSAT को PS यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने SKR इंजीनियर कॉलेज, सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सेलम, वेलटेक यूनिवर्सिटी चेन्नई और नेहरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।